फौजी भाइयों राम राम और जय हिंद। फौज में भर्ती होते ही आपका सीना और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देश की सेवा करना एक प्राउड मोमेंट है और ये सबको सबके नसीब में नहीं होता, तो डेफिनेटली आपको भी अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। बट इसके साथ साथ आप कुछ गलतियाँ भी करते हैं जो आपको समझना चाहिए। देखिए, गलतियाँ ये होती है कि हम भावुक ज़्यादा होते हैं। फौजी आदमी घर से दूर रहता है तो कुछ कुछ फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो गलत लेता है। और आपको पता है फौज की नौकरी शॉर्ट टर्म की होती है, यानी कि अगर आप सिविल किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कंपेयर करें तो आपकी नौकरी बहुत कम होती है, आपकी पेंशन भी कम होती है। तो इसीलिए आपको फाइनेंशियल जो स्टेप्स लेने हैं वो बहुत ही सोच समझ के लेने हैं। सबसे पहले मैंने देखा है बहुत सारे फौजी जैसे ही उनकी सर्विस हो जाती है उनके घर एजेंट आ जाता है, LIC के एजेंट आ जाते हैं, बाकी जो NBFC कंपनी है उनके भी एजेंट आ जाते हैं। यानी कि वो ये स्कीम बताने लगते हैं कि आप 10 साल रखें उसके बाद मैं आपको 10 साल दूंगा। ये सब दिखावा है, ये सब गलत है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछें, मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, वीडियो के जरिए बताऊंगा कि वो एजेंट कमीशन के लिए सिर्फ आपको अपना स्कीम चिपका रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है और हर एक फौजी भाई को ये वीडियो शेयर करना है कि कभी भी उनको दिक्कत हो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में तो मैं सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रदीप आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ गलतियाँ जो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली गलती कि आप लोग शॉर्ट टर्म यानी कि अभी नौकरी हुई है अभी घर बनाने के लिए होम लोन नहीं लेना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप होम लोन लेके घर बनाइए, कोई बुराई नहीं है। आपके सर्विस कम है तो आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, घर होना चाहिए, बाद में लोन नहीं ले सकते, सारा डिसीजन एग्री। लेकिन अगर बनाएंगे तो अपने प्रॉपर्टी पर बनाएंगे, यानी कि लैंड जो परचेस करेंगे खुद का परचेस करके खुद का घर बनाइए। अगर आप गलती से पेरेंट्स के प्रॉपर्टी पर बनाते हैं तो कल को अगर आपका भाई है उसके साथ डिस्प्यूट होता है। देखिए, मैं नहीं चाहता किसी के घर में डिस्प्यूट हो या कुछ भी हो, ऐसा मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम जैसे खुश हैं सभी खुश रहें। लेकिन ये आप बताइए कि कितना ज़्यादा आजकल डिस्प्यूट हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपने होम लोन लेके घर तो बना दिया लेकिन वो प्रॉपर्टी पापा के नाम पे है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आधा आपके भाई के पास चला जाएगा। यानी कि आपने जो शॉर्ट टर्म का सर्विस किया और उसी पे लोन लिया, ज़्यादा कटवाया, अपने खुशियों को कुर्बानी दी, अपने हार्ड सेविंग को दिया बैंक को, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये मैं अपने भाई को दे सकता हूँ तो डेफिनेटली दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोच कर ही करें तो आपको दुख नहीं होगा। दूसरी बात कि आप कोई भी फाइनेंस जो स्कीम्स हैं बैंक के या फिर क्रेडिट कार्ड हैं जो ऑफर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अपने पास मत रखें। इससे क्या होता है कि आप नए नए मोबाइल ले लेते हैं, नए नए TVs LED परचेस कर लेते हैं, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो आप ले लेते हैं। बहुत सारे फौजी भाई कार लोन ले लेते हैं। कार लोन तभी लें जब आपका कार तो खड़ा है, घर पे खड़ा है, और आप वो डिप्रिशिएट एसेट है, यानी कि कार खड़ी रहेगी, अगर आप उसको रेंट पे लगाने के लिए ले रहे हैं तो इट्स गुड। लेकिन देखेगा कौन, ये ध्यान रखकर तभी करें, पहले प्लानिंग करें देन बाय कार। क्यों? क्योंकि अगर आप खरीद के उसे घर पर रख दे रहे हैं और उसका यूज़ नहीं है तो डेफिनेटली आप एक बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं, यानी कि पेमेंट आने के पहले ही उसे आप दे दे रहे हैं बैंक को, यानी बैंक के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो बैंक के लिए काम ना करें, अपने लिए ही काम करें, सैलरी को इन्जॉय कीजिए। और एक गलती जो फौजी भाई करते हैं कि आजकल देखा है मैंने एफ एंड ओ इंट्राडे से बहुत दूर रहिए। देखिए, फौज की नौकरी जो है वो हम लोग ऑर्डर के लिए तैयार रहते हैं, जैसे ऑर्डर मिला हम अपना एक्शन करते हैं, यानी कि हमें कोई भी टाइम टेबल मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन FNO और इंट्राडे के लिए आपके पास चार्ट होने चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तुक्का से, लॉटरी सिस्टम से अगर आप खेल रहे हैं, इसका मतलब कि आप जो इनकम कर रहे हैं यानी कि हार्ड वर्क करने के बाद जो सैलरी मिल रही है आप उसके काबिल नहीं हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, तभी ये गलती हो रही है आपसे। आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल ड्यूटी कर रहे हैं जिससे कि आपको सैलरी मिल रही है, तो उसका सेफ्टी बहुत जरूरी है। जैसे आप कंट्री को सेव करते हैं, अपने फाइनेंस को भी सेव कीजिए, गलत जगह इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। AFPP फंड है, आर्मी आर्म फोर्स
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें हम लोग निवेश करना आजकल बहुत कम कर दिए हैं। ये गलत है क्योंकि 5 से 6 लाख जब हमारा वहाँ हो जाता है उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है मुझे AFPP पे। तो वो चीज़ ऐसा ना करें कि मिनिमम वहाँ पर डिडक्ट करें, 15,000 तक कम से कम वहाँ पर रखें, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी 4 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख वहाँ अमाउंट हो जाए। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद एक मैजिक बनेगा आपके बोनस में। जब आपको गवर्नमेंट बोनस देगा ईयरली, जो भी बोनस आपको देता है उसके साथ साथ जब आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा EP फंड में, तो ऑटोमेटिकली आपका 2 बोनस हो जाएगा। क्यों मालूम है, अगर इंटरेस्ट से कैलकुलेशन करके देखेंगे AFPP फंड का, तो आपका एक तो बोनस से सैलरी हाइक होता है और एक इंटरेस्ट जो मिला उसको भी डिवाइड कर दे 12 से, तो पर मंथ आपको इतना पैसा और एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये सेफ है, गारंटी रिटर्न है, गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है, तो इसे जरूर यूज़ करें। लेकिन LIC के लाइफ टर्म प्लान ये सब मत लीजिए, क्योंकि LIC के जब भी बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जिसमें कि वार एंड वार लाइक सिचुएशन नहीं कवर होते हैं, तो इसमें क्या होता है, फौजी भाइयों को नुकसान हो जाता है, उनका क्लेम जल्दी होता नहीं। और एक बात कि जब गवर्नमेंट ने 1 करोड़ तक का बैकअप हमें दिया है और साथ ही फैमिली के पेंशन भी दिए हैं, तो उससे ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को थैंक्स बोलिए कि आपको बैकअप दिया है, आपके फैमिली को पेंशन दिया है, तो उतना तक कर सकते हैं। इससे मच बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में उस अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ बातों को जाननी जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ड्यूरेशन 5 ईयर्स एंड मोर देन 5 ईयर्स है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप फंड, उसके बाद लार्ज कैप फंड। ये सब फंड में आप 5 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं, और जब प्रॉफिट दिखे तो वहाँ पर प्रॉफिट को विदड्रॉ या रिडीम नहीं करना है, वो लॉन्ग टर्म के लिए यानी आपके पेंशन के लिए ही सेव करके रखना है। क्योंकि गवर्नमेंट जो देती है ग्रेचुटी, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आने वाले दिनों में महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, आपका ग्रेचुटी कुछ नहीं कर पाएगा। वहाँ पर आपको मजबूर होकर वो नौकरी करेंगे जिसके आप करने के लिए कभी तैयार नहीं थे। एक बात सोचिए कि फौजी आदमी पहले स्टार्टिंग में जो जॉब नहीं करता, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करना चाहता, वो फौज के लिए रात दिन दौड़ता है, प्रैक्टिस करता है, उसके बाद फौज में आता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उस पर क्या होती होगी मन में कि वो जाकर किसी सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता है, कभी उसके फीलिंग्स को सोचिएगा। वो करने की मजबूरी हो जाती है, बच्चे की एजुकेशन, वाइफ का देखभाल, मम्मी पापा का मेडिकल एक्सपेंसेस, इन कुछ वजहों से उनको अपना इतना ज़्यादा माने जो नहीं करना वो भी करना पड़ता है, क्योंकि फौजी चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग ऑलवेज खुश रहें और उनसे अच्छा रहे। तो देखिए, ऐसी गलतियाँ आप ना कीजिए। अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जानकारी लेनी है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें, और जल्द ही मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिस पे हर एक फौजी भाई आराम से डिस्कस कर पाएंगे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, जिससे कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा हमारे लिए कि हम अपने आप को अच्छी तरह फ्यूचर में सेट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रदीप